अवैध शराब का परिवहन करते पुलिस ने बोलेरो वाहन सहित 26 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त। पुलिस हिरासत में वाहन चालक पुलिस ने बयान के आधार पर शराब ठेकेदार को बनाया आरोपी, पूछताछ जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। डिंडोरी जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस जिले में हो रही अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त हो गई है। पुलिस ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विधानसभा निर्वाचन चुनाव को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने के लिए जिले में हो रही अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गाड़ासरई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुरसा टोला चंदन घाट तिराहे में गाड़ासरई पुलिस ने घेराबंदी, एक बोलेरो वाहन सहित 26 पेटी अंग्रेजी शराब आवाज परिवहन करते हुए एक वाहन चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया, मुखबिर की सूचना पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने लगभग 9 लाख रुपए की कीमत की अवैध शराब को पकड़ा है। वहीं वाहन चालक पुलिस हिरासत में है, जिससे पूछताछ की जा रही है और बयान के आधार पर उसके सहयोगी और ठेकेदार को आरोपी बनाया गया है। डिंडोरी जिले में आबकारी द्वारा पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाहियों में शायद यह पहला मौका होगा जब पुलिस ने शराब के अवैध परिवहन मामले में किसी शराब ठेकेदार को बयान के आधार पर आरोपी बनाया हो। फिलहाल पुलिस की कार्यवाही जारी है और पुलिस संबंधित वाहन चालक से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस द्वारा लगातार अवैध शराब सहित अन्य आपराधिक गतिविधियों पर कार्यवाही की जा रही है, जो निरंतर जारी रहेगी। हमारे द्वारा विगत रात्रि से सूचना थी कि अवैध शराब बुलेरो गाड़ी में लेकर आने वाले हैं। इस सूचना पर हमारे द्वारा सुरसा टोला तिरा चंदन घाट रोड पर 26 पेटी अवैध शराब, कुल 231 लीटर शराब जब्त की गई है। वर्तमान में एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है और कुल जब्ती मसरू का 987,000 रुपये का है, जिसमें 1,64,000 की शराब है, शेष बुलेरो, मोबाइल व नकदी है। आरोपी एक गिरफ्तार है। इसके अलावा जो जो मदद में थे ठेकेदार व अन्य लोगों को भी कथन के आधार पर आरोपी बनाया गया है। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।